अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहित अरशद। आप तो मुझे तो जानते होंगे। तो मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस। वासिल जो मेरा दोस्त है, आप उसको अच्छी तरह से आपने मेरे ब्लॉग पे देखा होगा, वो जिसके साथ मैं मंडी गया था एक दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा, वही उसी का मेरे पास फ़ोन आया। कह रहा है यार हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, चलना है। मेरा 22 सैटरडे और मैं स्किप कर दूँ वो भी फार्म हाउस तो नो, कभी भी नहीं। क्योंकि सबसे फेवरेट जगह जो है मेरी इन्जॉय करने की, मुझे फार्म हाउस लगती है, ना मुझे सी व्यू पसंद है, ना मुझे हॉक्स पे पसंद है। मैं उनके पानी में मुझे पसंद है। फार्म हाउस में सुकून से रहता है बंदा, मज़ा आता है, चिल रहता है, दोस्तों के साथ होता है, फैमिली के साथ हो, सेफ साइड है एक तरह से, रास्ता भी सेफ है। मुझे ना फार्म का पता है ना कुछ पता, अभी मुझे जाना है दूर, बस मेरा वेट कर रही है। तो मैं आपको वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग हैं, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, और फार्म भी कौन सा ये भी नहीं पता। ठीक है, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मैं ये पहुंच चुका हूँ, ये है हमारी बस, और अभी बिल्कुल ही बस जो है हमारी खाली पड़ी हुई है, अभी कोई भी लड़के नहीं आए। मैं सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ, 30 लड़के हैं, और फार्म का अभी भी नहीं पता, पता चलेगा, देखते हैं कौन सा फार्म है भाई। नाज़रीन, ये हम लोग फार्म हाउस पहुंच चुके हैं, ये है हमारा RS फार्म हाउस, और ये नंबर भी लिखा है, अगर आपको आना हो तो इस फार्म हाउस पे कॉल करके बुक करा सकते हो। ये हमारी बस आ रही है, आ जाओ भाई आ जाओ। लाइट जला दो। नाजरीन, ये हमारी लाइट आ चुकी है, ये हमारे हैं झूले बच्चों के, और यहाँ भी झूले बने हुए, और मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये हमारा बाहर का सिटिंग एरिया है, और एक ये एंट्रेंस ये है, एक वो एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग आए थे, और एक लाइट यहाँ जल रही है, प्लेइंग एरिया ये छोटा सा ये बना हुआ है, और आए मैं आपको वो दिखाता हूँ गेम्स कौन कौन से हमारे गेम खेल रहे हैं। ये हमारा प्लेइंग एरिया, आपको कमरे भी दिखाता हूँ अभी आगे चल के। ये हमारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप चाहें तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, और ये है हमारा पूल। ओए होए, क्या क्लासी पानी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त पानी हो रहा है भाई, बिल्कुल ही साफ दिख रहा है। और बराबर में एक और फार्म हाउस है, वहाँ पे चल रहा है कोई इवेंट, गाने की आवाज़ें तो आपको आ रही होंगी। ये हमारे बड़ों का फार्म है, और ये है हमारे बच्चों का पूल, पार्टीशन हुए है। यार पानी बड़ा साफ है यार, आगे में आज 6-7 होगा। ये हमारा वॉशरूम, दो वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पे, और ये है हमारा ओपन किचन, ये सोफे। आगे आपको अंदर रूम दिखाते हैं अभी। एक कमरा, ये हमारा दूसरा कमरा आ चुका है, और यहाँ भी एसी लगा हुआ, उस कमरे में भी एसी था। और अब खाने का इंतजाम हो रहा है, खाने के बाद फिर हम जाएंगे पूल में। पूल का पानी गंदा है। ओए वासिल, इधर तो देख लो। हाँ आप नजर आ रहा है। हाँ वासिल भाई, मजा आ रहा है। ये हमारा उनैन भाई है, इनसे मिले। अंदर अंदर भेजिए। उनैन भाई क्या हाल है आपके? सर खैरियत से हैं। हमारा उनैन भाई और यस खानदा दा वासिल है, तीसरे में तुम, चौथे में तुम, पांचवा भाई। वासिल भाई पूल में नहीं जा रहे आप? अभी नहीं जाएंगे, अभी पानी वाटर गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा, पी ले फिर जाएंगे। काला नहीं हो जाएगा, काला हो जाएगा, ब्लैक। क्या क्या व्हाइट शर्ट पहनी है? तभी मैंने उसको व्हाइट शर्ट ला के दी, मेरा ब्लैक एंड व्हाइट अलग नजर आएगा कॉम्बिनेशन। नजर तेरा तो गेम बचाना, अभी नजर आ रहा है लाइट में, ज्यादा नजर आ रहा है। लाइट देख के खड़ा हूँ भाई, लाइट देख के खड़ा हूँ। यार पानी तो बड़ा जबरदस्त है यार वासिल भाई। मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, आपको बिरयानी तकसीम करेंगे, क्या होता है तकसीम करेंगे, तकसीम तकसीम वही तकसीम या तकसीम क्या वॉट एवर। आया मुनीर को दिखाते, मुनीर क्या कर रहा है अंदर चल के। मुनीर भाई ये पकड़ रहा है, मुनीर भाई भाई पूरा किचन का इंतजाम करके लाया है मुनीर भाई। मुनीर तुम्हारी वीडियो बन रही है तो बिल्कुल, ये धुलाई कर रहा है अभी इसकी, सुबह की अभी तो रात हो रही है, सुबह कौन सी तैयारी कर रहा है।
हाँ ये तो पता है, पहले डिनर तो हो जाए फिर सुबह करना। हाय हाय घी सर भाई, खाना बनाना है, खाना जलाना नहीं है। क्या रखा है? छोले छियालीस रुपये, 14 में कौन है भाई? चाय बना रहे हो? अरे भी कलर तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है यार चाय का, कड़क। मुनीर क्या बना रहा है भाई? हलवा पूरी के सेटअप है, हलवा पूरी का, हलवा पूरी का सेटअप बना रहे हो। हमारा ये हलवा जो है तैयार हो चुका है। ये क्या बना रहा है भाई? छोले तो बता तो दो। मुर्ग छोले, मुर्ग छोले। और आप देखिए हमारे हाथ में क्या है, चिल्लम दिखा दे आप। नहीं दिखाना, नहीं हमें नहीं। खामोशी, फिर अपना वक्त आएगा। दिस इज अ चिल्लम। हम शीशा तैयार कर रहे हैं, सही है? तो फैमिली के जितने भी हमारे मेंबर है ना, तो आज के दिन हमें माफ कर दिया। कल रात तीसरे दिन चौथे तो नाज़रीन ये हमारे फार्म की मैं इस वक्त आया हुआ हूँ छत पे, और ये है हमारे फार्म के पीछे का मंज़र। चेक करें यार कितना खूबसूरत हो रहा है भाई, है ना भाई? चले हम आपको और दिखाते हैं। ये बराबर में एक फार्म है हमारा, ये बेचारा बिल्कुल ही वीराना पड़ा हुआ है। ये इसका पूल खाली, जगह अच्छी है लेकिन जो बात है। ये हमारे नीचे अभी भी गाने चला रहे हैं भाई साहब हमारे नीचे, ये सब मस्त हुए हैं भाई। चेक दिस आउट, व्हाट अ व्यू मैन, वाओ एक्सलेंट। फार्म तो ये है यार, कितना बड़ा फार्म है लेकिन जा नहीं सकते हैं यहाँ पे। बहुत जबरदस्त इस वक्त मौसम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप चेक करें, ये हमारे यहाँ तक ये हमारा फार्म है जहाँ पे बाउंड्री आई हुई है। अबे भाई क्यों चिल्ला रहे हो यार? वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। हाँ पता है तुम लोगों के घोंसले यहाँ पे, शायद मारेंगे भागे हुए इससे पहले। ये हमारा फार्म है ऊपर से, और वहाँ पे लोग गेम खेल रहे हैं। ये हमारे दाऊद भाई, ये हमारा सिटिंग एरिया, ये रिक्शा खड़ा हुआ हमारा रिक्शा, ये है हमारा फूल मैन, एक्सलेंट मैन। ये है हमारी सीढ़ियां। चलो भाई खाना लगा दो। ये क्या घी डाला है इसके अंदर? घी। हाँ भाई पेड़े भी तैयार कर लिए तुमने, जबरदस्त। अच्छा दे रहा हूँ। ये हमारा नीचे से अब व्यू मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का। ये हमारा पूल था, ये हमारा ओपन किचन, और ये हमारे रूम, वहाँ पे भी एक रूम है, और ये हमारा यहाँ का बाहर का व्यू है ये हमारा। और ये हमारे भाई जो हैं ये अंदर किचन में अभी तक लगे पड़े हैं, बर्तन धो रहे हैं ये। वासिल भाई अजल भाई अभी तक धो रहे हो? अभी तक काम कर रहे हो यार? यार क्या करें, घर में तो फूट के पानी भी नहीं पीते काम कर तो ये सारी कसर यहाँ पूरी कर रहे हैं। वो जो लोग कहते हैं ना कि बड़ी आसानी से प्रोग्राम बन जाता है फार्म हाउस का या किसी भी चीज का, ये वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, जब जिम्मेदारी बंदा लेता है ना तो पता चलता है। हाँ ये बात तो है, जो बात है भाई हम इवेंट प्लानर है, यू नो समथिंग अबाउट दिस। जो शाबाश बेटा, इवेंट प्लानर होने ना उनसे पूछा करो कि किस तरह का इवेंट बेचारे ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चे हैं ये लोग। आज मैं आपको अंदर दिखाते हैं हमारे मुनीर भाई कैसी मेहनत कर रहे हैं भाई। ये घी उनका पूरा पिघल चुका है अब तक और ये हमारे ये बना रहे हैं पूरी पराठा, ये तैयार भी हो चुके हैं। तो वाह भाई बता, तैयार भी हो गए? वाह अरे लौंडे ऐसे ही जा रहे हो तुम। आ जाओ भाई नाश्ते का सीन आ गया भाई।
तो भाई हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। फार्म कैसा लगा है तो भाई सब कमेंट में बता दीगा, ऐसे तो नहीं होता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीगा। व्लॉग ये हमारे वासिल भाई हैं भाई, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, खाना नाश्ता सब बेचारे अलग से लेकर आए और बहुत मेहनत करी है भाई, इनको जरूर बहुत मेहनत करी, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेहनत कर करके। और ये हमारे जो मुई भाई हैं इनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर दे, तीसरे में घूम चौथे में घूम अल्लाह ये नहीं है, तीसरे में घूम चौथे में घूम पॉइंट ऑयल पट्टे में मिलते हैं। ओके चल भाई।